तकरीबन 190 वर्ष पुरानी भारतीय रेल एक राष्ट्रीय संपत्ति है जो 19,000 से अधिक रेलगाड़ियों और 7,112 स्टेशनों का संचालन करती है और यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का पहला रेलवे ट्रैक मद्रास में 1835 में बनकर तैयार हुआ था। 1837 में उस पर औद्योगिक ट्रेनें चलने लगी थी, जबकि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच दौड़ी थी। तब 14 डिब्बों में सवार होकर 400 लोगों ने तकरीबन 34 किलोमीटर की यात्रा की थी। आज बॉम्बे का वह स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसे दुनिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानती है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज भी कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो 150 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन स्टेशनों से आज भी रेलगाड़ियां चलती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के 12 सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों के बारे में, जहां से आज भी ट्रेनों का संचालन किया जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था। इसका नाम महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में उनके नाम पर रखा गया था। 1996 में मराठा योद्धा शिवाजी के सम्मान में इसका नाम बदल गया और बाद में 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। ये यूनेस्को की विश्व धरोहरों में भी शामिल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई की वास्तुकला की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। हावड़ा जंक्शन, कोलकाता। हावड़ा जंक्शन भारत के सबसे पुराने और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित हावड़ा जंक्शन की स्थापना 1854 में हुई थी। हावड़ा जंक्शन में कुल 23 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। रायपुरम रेलवे स्टेशन, चेन्नई। रायपुरम रेलवे स्टेशन को भारत का तीसरा सबसे पुराना और दक्षिण भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन होने का गौरव है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत जून 1856 में हुई थी। पहले रायपुरम में मद्रास और दक्षिणी महाराष्ट्र रेलवे का मुख्यालय था, जो 1922 तक रहा। रायपुरम स्टेशन अपने 4 प्लेटफॉर्मों के साथ चेन्नई की उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कानपुर सेंट्रल, उत्तर प्रदेश। कानपुर सेंट्रल को पहले कानपुर बैरक स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को उत्तरी और पूर्वी भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। इलाहाबाद जंक्शन, उत्तर प्रदेश। 1859 में स्थापित इलाहाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यह स्टेशन कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बना रहता है। वडोदरा जंक्शन, गुजरात। गुजरात के वडोदरा में स्थित वडोदरा जंक्शन की स्थापना 1861 में हुई थी। यह पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो गुजरात को मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ता है। वडोदरा जंक्शन में यात्री और मालगाड़ियों दोनों को संभालने के लिए कई प्लेटफॉर्म है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली। 1864 में स्थापित पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली की सबसे पुरानी रेलवे स्टेशनों में से एक है। चांदनी चौक के पास स्थित यह स्टेशन उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेलवे जंक्शन है। पुरानी दिल्ली स्टेशन देश की राजधानी को उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से जोड़ता है। चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई। चेन्नई सेंट्रल को पहले मद्रास सेंट्रल के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। यह चेन्नई के सबसे प्रमुख और सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। स्टेशन की शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे लैंडमार्क बनाता है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन 1863 में स्थापित किया गया था। ये आगरा में ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए प्राइमरी रेलवे स्टेशन है। स्टेशन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई प्लेटफॉर्म और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जयपुर। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सिंधी कैंप बस टर्मिनल और जयपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इस स्टेशन को 1875 में स्थापित किया गया था। राजस्थान के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक जयपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना 40,000 से अधिक यात्री ट्रेन पकड़ते हैं। पुडुचेरी रेलवे स्टेशन, पुडुचेरी। पुडुचेरी रेलवे स्टेशन को 1869 में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था। स्टेशन के फ्रंट पर ग्रीको रोमन पिलर्स हैं। चेन्नई, विल्लुपुरम
और तिरुपति से नियमित रूप से जोड़ते हुए यह तिल्लुपुरम के जरिए मंगलुरु, कन्याकुमारी, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन को 2021 तक झांसी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। इसे 1880 के दशक के अंत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। झांसी किले और रानी महल से मिलते जुलते स्टेशन की वास्तुकला इसकी विशाल किले जैसी संरचना से पहचानी जाती है। यहाँ से भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस रवाना होती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।